हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है पूरा, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो ब्लड ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूड मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या होता है? फ्लूड मैट्रिक्स होता है, मतलब फ्लूड होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा भी होता है इसमें और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अब इसमें प्लाज्मा क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, मतलब ये एक स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। विस्कस फ्लूड, मतलब लिक्विड जैसा होता है। कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड जो 100% होता है उसका 55% होता है प्लाज्मा। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट्स 6 to 8% ऑफ इट। मतलब जो 50% प्लाज्मा है, तो वो कम्प्लीटली अगर हम उसको 100% कंसिडर करें तो उसमें 90 से लेके 92% तक वाटर होता है और बाकी का 6 से लेके 8% होता है हमारा उसमें प्रोटीन पार्ट। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर दी मेजर प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर वो ये तीन है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। तो ये चार यहाँ पे, ये तीन जनरली यहाँ पे प्रोटीन्स हमारे मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे अब इस पर हम। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग, मतलब जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म, और जो ग्लोब्यूलिन्स होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है ऑफ द बॉडी। एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी होते हैं, लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, HCU3 नेगेटिव, क्लोराइड आयन। तो इस तरह से यहाँ पे प्लाज्मा में हमको आयन्स भी देखने को मिल जाते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ये भी हमको प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। आर ऑल्सो प्रजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ फैक्टर्स भी प्रजेंट होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं इन एन इनएक्टिव फॉर्म, और वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो उसको हम सीरम बोलते हैं। यहाँ तक ये हमारा कॉन्सेप्ट है।